नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरित्र ज्ञान में। दोस्तों, जब औरत रात के समय ऐसे सोती है और सुबह में ये काम करती है तो यकीन मानिए, ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है कि वो घर कभी भी करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जब हम कुछ घंटे सो जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सोना व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाने के लिए भोजन। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता और ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा को पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर एक, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि देर रात तक सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रुठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए जल्द सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों, नंबर दो, धर्म शास्त्र के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहाँ पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती है तो वहाँ पर कभी भी राहु केतु और शनि की दृष्टि पड़ सकती है। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर होता है। दोस्तों, नंबर तीन, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और ये आपके सपनों में आकर ये आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, जिसे कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नंबर चार, इन दिनों में देर से सोना सबसे भारी दोष और बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें। इन दिनों में देर से उठने से व्यक्ति पर कई सारे दोष लग सकते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर पाँच, बताया जाता है कि जब कोई महिला पूरब और दक्षिण दिशा में सर रख कर सोती है तो पूरा परिवार धन और धान्य से भर जाता है। खुशियां घर में ऐसे आती है जैसे मानो बरसता हुआ पानी। जी हाँ, इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, जो जागता है वही पाता है और जो सोता है वो खोता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।